नमस्कार मित्रों, अभी मैं नोएडा के ट्विन टावर के डिमोलिशन के झटके से उबरा ही था कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा के अत्यंत प्रसिद्ध जीआईपी मॉल, ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल के बिकने की खबर आ गई। पता चला कि वह 2000 करोड़ में बेचा जा रहा है। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक झटका था कई कारणों से। पहला कारण तो इसका नामकरण ही उसमें योगदान मेरा था, उसकी कहानी अलग बताएंगे। लेकिन जब इसका वास्तु, जब ये 2007 में यह 147 एकड़ में यह माल खुल गया था 2007 में, और खुलते ही इसमें पूरे दिल्ली एनसीआर की भीड़ आने लगी, और दिल्ली एनसीआर ही नहीं आसपास के जिलों से भी भीड़ आने लगी। फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो गई, बड़े बड़े ब्रांड इसमें आ गए, जो दिल्ली में कहीं ब्रांड नहीं थे वो भी ब्रांडों ने यहाँ बड़े बड़े शोरूम खोले। फूड कोर्ट इसका बहुत अच्छा, सिनेमा हॉल इसके बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा था। और उस समय के यूट्यूब पर वीडियो जो ब्लॉगर्स ने डाले हैं आप देख कर दंग रह जाएंगे। मारा मारी, भीड़ भाड़, पूरा ट्रैफिक इस माल पर आ रहा था। लेकिन जब 2007 और 2022 15 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ, वह रहस्य मैं बताऊंगा तो आपको हैरान हो जाएंगे कि एक चलते हुए माल को कैसे आज एक बंद होते हुए माल के रूप में हम देख पा रहे हैं और बिक्री की कगार पे आ गए हैं। ऐसा क्या किया, कैसे इस माल की हत्या हुई, इस फेमस शॉपिंग मॉल की। तो मित्रों क्या हुआ कि 2007 में जब ये माल खुला तो इसमें एक एम्यूजमेंट पार्क भी बनना था। और करीब मैं दशकों से वास्तु पढ़ा रहा हूँ, भारत में ही नहीं विदेशों में भी मेरे पढ़े हुए लोग सफल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुधा तमाम वास्तु एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स मुझसे सलाह लेते रहते हैं। तो ऐसे ही एक सज्जन का, जो इस माल का तथाकथित रूप से वास्तु देख रहे थे, उनका फ़ोन आया कि एक, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, माल का प्रोजेक्ट है और उसमें इंटरटेनमेंट जोन बनाना है, तो कहाँ बना लूँ, साउथ ईस्ट में ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में शुक्र का क्षेत्र होता है, आप एंटरटेनमेंट जोन बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बात उन्होंने पूरी खोली नहीं, पता नहीं उनको असुरक्षा होगी कि ये खुद ही पहुँच न जाए या क्या, पता नहीं कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें जो इंटरटेनमेंट जोन के नाम से जो मनोरंजन का क्षेत्र बन रहा है, वो उस पर एक वाटर पार्क बन रहा है, एक बहुत बड़ी लेक बन रही है। और फिर क्या हुआ कि 2007-2008 में ही यह एम्यूजमेंट पार्क की शुरुआत हुई, और 2010 में करीब जो है वह लेक जो है 2010-11 में जो है लेक खुदनी शुरू हुई, पानी भरना शुरू हो गया। और मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट से वास्तु जुड़ा नहीं था। और फिर 2011 में जो एक्चुअली यह प्रोजेक्ट दो लोगों ने मिलकर के बनाया था, दो ग्रुप्स ने, यूनिटेक ग्रुप, यूनिटेक प्रमोटर्स ने, और एक दिल्ली के प्रगति मैदान में अप्पू घर चलता था, वो अप्पू घर जब बंद हुआ तो उसके प्रमोटर भी इसके साथ जुड़ गए थे। इन दोनों लोगों ने मिल करके ये पूरे GIP माल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। तो 2011 में जब लेक बनना शुरू हुआ, 2011 में यूनिटेक के प्रमोटर डायरेक्टर संजय चंद्रा जी गिरफ्तार हो गए। और फिर वो जो समस्याएं खत्म नहीं हुई, फिर क्या हुआ कि वो लेक जो है 2012 में ऑपरेशनल हो गई, 2013 में वाटर पार्क बहुत बड़ा बन गया, उसमें स्विंग हो रहे हैं। ये सारा का सारा इस माल के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बन रहा था। दक्षिण क्षेत्र मंगल का होता है, यह भी हम लोग अग्नि का तत्व लेते हैं क्योंकि मंगल अग्नि का तत्व का है, और दक्षिण पूर्व भी उसका नाम ही आग्नेय दिशा है, आग्नेय दिशा जो है। और इसमें जो है आप लोग जो वास्तु के जो मूलभूत जानकार होंगे कि दक्षिण पूर्व में हम लोग रसोई जो है बनवाते हैं अग्नि का, और दक्षिण में भी अग्नि की संबंधित चीज़ें रखी जाती हैं, फैक्ट्रियों में हम लोग बॉयलर ही वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर रखवाते हैं, ट्रांसफार्मर, बिजली के संसाधन, जनरेटर, इन क्षेत्रों में रखे जाते हैं। और इन भाई साहब ने, GIP माल के प्रमोटरों ने जो है वहाँ पर एक लेक बहुत बड़ी बनाई, बहुत सुंदर सी लेक, और अभी भी आप गूगल पे या जा कर के देख सकते हैं। और दूसरा उन्होंने एक वाटर पार्क बनाया बहुत बड़ा सा।
अब बनाते ही जो है तमाम मुसीबतें, और मजे की बात है कि दोनों प्रमोटरों पे मुसीबतें आनी शुरू हो गई, न केवल यूनिटेक ग्रुप पर, न अप्पू घर पर भी बहुत बड़ी मुसीबतें अभी रेड हाल ही में पड़ी थी 2 साल पहले, बहुत भयानक, दोनों पर भयानक मुसीबतें आनी शुरू हो गई, गिरफ्तारियां, छापे, सब कुछ चलता रहा। लेकिन इसमें एक और बड़ी बड़ी घटना हुई जो है, जो कहते हैं कि किस्मत जब खराब हो, वो एक पास ही में वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है एक DLF माल ऑफ इंडिया उसका प्रोजेक्ट था, और वह प्रोजेक्ट मुकदमों में फंसा हुआ था बहुत दिनों से, और उसकी कहानी मैं अलग से बताऊंगा कि उस मुकदमे से निकलने में वास्तु ने या मेरे थोड़े से ज्ञान ने कैसे भूमिका अदा की। लेकिन DLF माल इतने दिन मुकदमे में फंसा रहा, तो जब इन्होंने अपनी खुराफात की अग्नि वाली दिशाओं में, फायर वाले जोन्स में पानी भरना शुरू किया, वाटर पार्क लगाना शुरू किया, तो अचानक उनकी समस्याएँ ख़त्म हो गई और वो धड़धड़ बनने लगा। और उनका थोड़ा सा लेट हुआ जो है, 2014 में DLF माल को स्टार्ट होना था, लेकिन जा करके किसी तरीके से 2016 में वो स्टार्ट हो गया। आज 2016 में DLF माल ने स्टार्ट किया, और थोड़ा थोड़ा उसमें वास्तु का भी योगदान था, मैं बहुत विस्तार से कभी बताऊंगा। तो लेकिन ये जो GIP माल था, इसका बट्टाधार हो गया सारा ट्रैफिक GIP माल का DLF माल। आज ये हाल है कि GIP माल में पुराने दिनों के कुछ प्रतिशत जो है केवल फुटफाल बची हुई है, बड़े बड़े ब्रांड सब छोड़ के चले गए हैं, और लोन जो है उनके ऊपर, लोन का जो सुरसा है और अघासुर है, वो लोन को दोनों ग्रुपों को खाया जा रहा है। मुकदमे, ऋण, हर तरह की समस्याएं, हर तरह की परेशानियां वहाँ पर। और ये मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारे बिल्डरों को उबारा भी है और बहुत सारे बिल्डरों को डूबते देखा है, दो दिशाओं का उसमें हमेशा योगदान रहा। कॉमन मैंने देखा 80% केसों में दो दिशाओं में इन्होंने बदमाशियाँ की, उस कारण से हुआ। उसमें एक दिशा जो है यह दक्षिण पूर्व की दिशा सारे संसाधनों को ब्लॉक कर देती है, कोड फ्रीज कर देती है, तमाम ये चीज़ें दक्षिण पूर्व की से होती हैं। और जहाँ मैंने इतने बिल्डरों का मैंने केस स्टडी किया, उनको सलाह दी, बहुत सारे समस्याओं से उबारा भी जो है डूबते हुए, तो एक बड़ा कॉमन फैक्टर देखा मैंने कि दक्षिण पूर्व में जब उन्होंने बदमाशी की, या साउथ ईस्ट में आग्नेय दिशा में जहाँ घर में हम लोग रसोई बनाते हैं, तो कोई ना कोई विपत्ति जरूर आई। तो ये GIP माल, मतलब आप देखिए कि ये कैसे कैसे एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। चला बहुत धूमधड़ा केस चला, जो उन्होंने पानी भरना शुरू किया, जो वहाँ जल का प्रवाह करना शुरू किया अग्नि की दिशा में, वो प्रॉब्लम शुरू हुई। और विधि का विधान देखिए कि उसी के साथ साथ ये चीज़ें, कोर्ट केस बने, गिरफ्तारियाँ हुई, सब कुछ जो है, और दोनों प्रमोटरों पे आ गए क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इनके देखिए, हर बिल्डर के छोटे बड़े कई प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन यूनिटेक का यह विक्ट्री सिंबल था, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कॉमर्शियल, उसमें जो किया उसने पूरे ग्रुप को नष्ट कर, पूरे ग्रुप को नष्ट कर दिया। आज जो है दोनों, यूनिटेक ग्रुप जो है और अप्पू घर का जो ग्रुप है, दोनों जो है कराह रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। मैं बर्बादी कगार पे नहीं है, बर्बाद हो गए हैं। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, संजय चंद्रा उनके जीवन में भी आए, लेकिन आदमी को अपने कदम सबसे समझ बूझ करके लेना चाहिए। किस्मत को आप टाल नहीं सकते, लेकिन आप खुद जाकर के कूद नहीं जाएंगे। तो यह जो GIP माल का रहा, यह खुद जो है आग में कूदने जैसा रहा, और आज 2000 करोड़ में बिकने का कगार। एक वास्तु सलाहकार के तौर पर यह मेरे लिए बड़ा दुखद क्षण है, दो कारणों से। पहली बात यह कि यह एक मूर्ख जो है वास्तु कंसल्टेंट की गलत सलाह का नतीजा था। अगर उस वास्तु कंसल्टेंट ने मुझसे साफ साफ पूछ लिया होता, बता दिया होता कि यह प्रोजेक्ट है, आचार्य जी यहाँ ऐसा होने वाला है, तो शायद मैं तुरंत मना कर देता, उसका विधान बताता कैसे करता। और दूसरी बात, यह यूनिटेक का या अप्पू घर का ही एसेट नहीं है, यह राष्ट्र की संपत्ति है। जैसे ट्विन टावर गिरा, 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसी तरह से अभी राष्ट्र की संपत्ति है। अगर ये माल बंद होगा, बर्बाद होगा, इतना सारा राष्ट्र की संपत्ति जो एक बहुमूल्य इमारत खड़ी करने में लगी, वो बर्बाद जाएगी। लेकिन एक बहुत मनोरंजक बात यह है
कि उसी जीआईपी माल में एक और बिल्डिंग है गार्डन गैलेरिया, और गार्डन गैलेरिया वहां पर बनी हुई है जहां पर मैं वास्तु में डाइनिंग टेबल रखवाता हूं। जब भी मैं किसी घर का वास्तु बनो करवाता हूं तो वहां पर डाइनिंग टेबल वहीं रखवाता हूं, अगर संभव हुआ तो। और उस गार्डन गैलेरिया में एक अच्छा सा रिटर्न आ रहा है, लोग भीड़ लगाते हैं। और गार्डन गैलेरिया की सबसे खास बात आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि उसमें सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स एंड बार्स बने हुए हैं और सक्सेसफुल है। ये वास्तु का चमत्कार देखिए कि एक प्रोजेक्ट में एक बिल्डिंग बहुत अच्छी चल रही है, वास्तु के अनुसार उसमें एक्टिविटी हो रही है, जहाँ भोजन का होना चाहिए, इंजॉयमेंट का होना चाहिए, भोजन का होना चाहिए, खाने पीने का होना चाहिए, उसमें सारे ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग में रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, बार ही बार हैं। और उसी प्रोजेक्ट का पूरा अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट फेल हो रहा है ना मनोरंजक बात। तो ये देश के लिए और वास्तु के विज्ञान के लिए मैं दुखी हूँ, मेरा दुख जायज है, जस्टिफाइड है। नमस्कार, आचार्य कृष्ण, मैं अष्टोदेव.com।